सो गाइस जस्ट अपने होटल आ गए थे और जस्ट नहाए, क्योंकि सुबह क्या हुआ था कि सनराइज हो रहा था, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में भाई हमने ब्रश करा और ऐसे चले गए थे, चेंज भी नहीं करा था। तो अभी भाई कपड़े चेंज कर लिए, नहा लिए, अच्छे से फ्रेश हो गए। अभी हमने ऑर्डर करा है एक चाय और वेज सैंडविच। जब भाई होटल एक नंबर और व्यू भी एक नंबर, एक नंबर होटल विद व्यू। अभी धूप में खाते हैं इसको बैठ के आराम से, ठीक है। जब तक सैंडविच आता है, चाय आती है, फिर दिखाएंगे आपको। सो गाइस जस्ट हमारी यहाँ पे चाय भी आ गई है और हमने मंगाया था वेज सैंडविच, जो कि ये रहा। इंजॉय करते हैं अपनी चाय को विद दिस व्यू, वंडरफुल, ऑसम भाई, सारी तरफ ऑसम व्यू है। तो इसे पीते हैं चाय, फिनिश करते हैं अपना सैंडविच और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी निकल रहे हैं यहाँ से और गियर अप हो गए हैं पूरा, हमने जैकेट पहन ली नीचे और यहाँ अपना साइड बैग, देन नीचे जूते फुल। अब यहाँ से चल रहे हैं सीधे नीचे, अपनी स्कूटी को कॉल स्टार्ट करते हैं और फिर निकलते हैं हम ऋषिकेश के लिए, जो कि हमें लगेगा दो ढाई घंटे इसलिए लगेंगे क्योंकि थोड़े रास्ते हैं ना कर्विंग के हैं, मतलब किलोमीटर तो कम है लेकिन जो रास्ते हैं वो कर्विंग के हैं, तो इसलिए हमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। तो चलते हैं भाई अभी नीचे। देखो यहाँ पे अपना बैग पैक कर लिया, ये अपना हेलमेट, और अभी चलते हैं नीचे। चलो भाई थोड़ी बहुत साफ़ कर लिए थे स्कूटी, बहुत गंदी हो रखी थी, तो अब इसको थोड़ी देर करते हैं कॉल स्टार्ट, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में कॉल स्टार्ट हो जाएगी, फिर निकल उसका भी मैप लगा लूँगा मैं आगे। चलो चलो, स्कूटी थोड़ी गंदी हो रही थी इसलिए मैंने साफ़ कर ही ली। और बाकी भाई वेदर की बात करें तो ठंडी लग रही है, हाथों में भी ठंडी लगेगी, आगे मांग लूँगा विकेटी भाई से। फैन ईयर में रखे हुए अपने ग्लव्स, ये देखो कोयला लग गया पता नहीं कहाँ से, ब्लैक में पहुँच लेते हैं। दिखा रहा है 2 घंटे 22 मिनट टोटल 67 किलोमीटर अवे बता रहा है। चलो चलते हैं भाई, कोल्ड स्टार्ट भी हो गई है, हाँ 5 मिनट हो गए कम से कम, चलते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ हमारा होटल था अंदर जाके, और काफ़ी अच्छा हमें जो होटल है वो मिला था, और धुंध देख सकते हो आप भाई कितनी हुई है धुंध। चलो चलो चलो, अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जो कि बहुत खतरनाक होने वाली है, मसूरी। अभी से जाम, अच्छा बस मुड़ रही है, ट्रैवलर मुड़ रही है छोटी वाली। ओहो चलो भाई चलो, ऐसी ढलान है, बिना अगर हम बंद भी कर दे तो आराम से उतर जाएगी स्कूटी, क्योंकि ढलान है यहाँ पे और थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा क्योंकि आगे कार भी चल रही है, तो ब्रेकिंग आराम से फुल चेक वेक करके चलना है। सो गाइस आज हमने सुबह एक्सप्लोर करा लाल तिब्बा और वहाँ से भाई व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो वहाँ भी हमने कई चीज़ें कैप्चर करी हैं वहाँ पे। और बाकी मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी, वरना शाम आम को या दोपहर को ना तो फिर भीड़ हो जाती है। सो गाइस अगर आप सोच रहे हो कि भाई अपना मसूरी या कहीं भी मसूरी ऋषिकेश कार से आते हो, तो देखो कम से कम इतनी लाइन लगी है ना पीछे, हम स्कूटी से आए हैं, कम से कम हमें वे मिल गया भाई जाने के लिए, और कार वालों की देखो यहाँ ला रहे हैं बंदे, यहाँ लेना पड़ेगा। चलो थक गई, बच गए, बहुत जाम है, बहुत कार वाले यार, इतनी छोटी छोटी रोड है यहाँ पे, वन वे है, उनमें भी कार का कोई सेंस नहीं बनता है, बट क्या करें यार, टूरिस्ट मानते नहीं है। अभी भाई पीछे हैं क्योंकि वो पैनियर लगा के आ रहे हैं। वेट करते हैं उनका, भाई पीछे होंगे वो बहुत। देखो यहाँ पे लोकल बस भी चलती है मसूरी, अगर आप आ रहे हो ना
तो यार कार से ना आके इधर चलना है। तो आप किसी उससे आना ट्रांसपोर्टेशन से, और यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना, वरना आप बाइक या स्कूटी से आ जाओ वो बेटर है। बट कार से यार आपको बहुत ही जाम मिलेगा, बहुत ही जाम। और अभी टाइम भी नहीं है ये जाम मिलने का, बट मिल रहा है तो कोई नहीं, चलते हैं। बहुत ही जाम, कोई नहीं, स्कूटी है एडजस्ट कर लेंगे। देखो दिल्ली, हरिद्वार और मसूरी सब आगे ही बता रहे हैं, और वहाँ से आ रही है कार, हमें अंदर दबानी पड़ेगी। ठीक है ठीक है, लेन में चलो, अपनी लेन में ही चलना पड़ेगा। बहुत जाम है बहुत, ये जो होते हैं ना ट्रैवलर्स छोटे छोटे, वो उन्होंने जाम लगा रखा है। और कार तो आपको पता ही है स्पेस लेती ही लेती है, देखो वरना रोड पे खड़ी कर रखी है। जो बंदे अपने आते हैं ना प्राइवेट गाड़ी से, अरे दे दे दे, बादल यहाँ तक दिख रहे हैं नीचे जाते हुए। और ये सीज़न भी नहीं है, अगर ये सीज़न होता ना भाई घूमने का तो आप तो इतनी भीड़ होगी तो पता नहीं कितनी ही भीड़ होती होगी जब सीज़न होता होगा। अभी तो हमें होटल मिल गया, अच्छा हुआ, अच्छा व्यू का होटल मिल गया था, तो हमने काफ़ी शूट करी वीडियो वगैरह। देखो आराम से चलना पड़ेगा भाई अपनी लाइन में ही, जाम से निकलते हैं फिर आपको दिखाते हैं यार बढ़िया बढ़िया चीज़ें। बहुत लाइन लगी है भाई, बहुत लाइन लगी हुई है। और ये पैनियर लगा रखे हैं विकेडी भाई ने, अगर इनके पैनियर नहीं होते ना तो हम और विकेडी भाई आराम से चले जाते कटवट मार के थोड़ा रास्ते से, मतलब जो लेफ्ट में है ना थोड़ा बहुत स्पेस बच ही जाता है कि एक स्कूटी निकल जाए आराम से। बट इन्होंने पैनियर लगा रखे हैं, छोटा चेतक बना रखा है। बट ये यूज़फुल भी है भाई, इसमें दोनों के कपड़े आ गए हैं तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते। चलो चलो भाई, बहुत जाम है कसम से, बहुत जाम है, बहुत हद से ज़्यादा जाम है। हमें आते हुए तो नहीं मिला लेकिन जाते हुए भाई 100% हम जाम में फंसने वाले हैं। तो गाइस अब मिला है रास्ता खाली, कम से कम 5-10 मिनट तो रुके होंगे वहाँ पे, और बाकी उसके बाद तो मिल ही गया हमें, ट्रैफिक नहीं है उसके बाद। अब आराम से उतार रहे हैं गाड़ी, गाड़ी बंद करके आराम से उतर रही है। गलत मुड़ गए थे, अभी हमें जो जाना है मेन भाई धनौल्टी होके जाना है, क्योंकि वहाँ का जो व्यू है ना रास्ते का, अभी देखो मैं अपना अपडेट ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट कर जल्दी। कभी कभी यार रात को क्या हुआ ना, जब हम आ रहे थे कैंपटी फॉल से तो दिखा रहा था ऐसे, मतलब इसमें झाड़ियों में दिखा रहा है एक गुफा सी बना रखी है, पता नहीं क्या होगा, और वहाँ को रास्ता दिखा रखा था भाई। हम कम से कम उसी रोड पे कम से कम 3-4 भाई चक्कर लगा के कि भाई रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है, देखा तो भाई छोटी सी गुफा बना रखी है, उसको रास्ता बता रखा है गूगल मैप ने,